हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन फायर एड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 21 में। तो अभी मैं करेली हूँ वर्मिलियन सिटी के पोकेमोन सेंटर में। तो लास्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ मैं तुम्हें एक बार रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में मैं वर्मिलियन सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे एक साइन बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था कि रूट 12 ब्लॉक है। किसी स्लीपिंग पोकेमोन ने अब पोकेमोन उधर से मतलब हट नहीं रहा, इसलिए मैं जा नहीं सकता रूट 12 से किसी दूसरे सिटी। तो उसके बाद मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिला कि मैं रॉक टनल से होते हुए लेवेंडर टाउन जा सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि लेवेंडर टाउन जाऊँगा मैं, लेकिन मुझे देखना है सच में क्या उधर रूट 12 में कोई स्लीपिंग पोकेमोन है। और एक और बात ब्रो, लास्ट एपिसोड में मुझे HM मिला, HM 05, जो कि फ्लैश अटैक है, जो रॉक टनल में मेरा काम आएगा बहुत, क्योंकि रॉक टनल से जाने के लिए मुझे फ्लैश मूव इसलिए सिखाना पड़ेगा परा क्योंकि रॉक टनल बहुत ही डार्क है, उधर तुम कुछ देख नहीं सकते। अगर तुम फ्लैश तुम्हारे पास अगर फ्लैश मूव है तभी तुम देख सकते हो रॉक टनल में। और ये जो HM मिला मुझे प्रोफेसर ओक के ID से मिला, जो कि विरिडियन सिटी के पास में रूट 2 में था, इसलिए मुझे डिग्लेट एंड ऐसे पेरमिल सिटी में एक्सप्लोर करते करते मुझे डिग्लेट केव मिला। एंड उसके अंदर जाके वो केव ना सीधा रूट 12 2 में जाके निकला, इसलिए मैं डिग्लेट केव से होते हुए जाके HM ले आया। एंड अभी मैं जाने वाला हूँ रूट 12 में देखने की ये सच में स्लीपिंग पोकेमोन कोई है कि नहीं, और अगर कोई होगा तो उसके लिए अगर होगा तो मैं जाऊँगा रॉक टनल से होते हुए लेवेंडर टाउन। तो चलो ब्रो चलते हैं, अभी मुझे दूसरे पोकेमोन को भी ट्रेन करना है। और एक और बात बताना था ब्रो तुम्हें कि वो फ्लैश अटैक मैंने सिखा दिया है ऑडिश को। वैसे मैं ऑडिश को यूज़ नहीं करने वाला, ये सिर्फ रॉक टनल को जब रॉक टनल के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे। रॉक टनल से निकलने के बाद मैं इसे वापस PC में रखने वाला हूँ। तो अभी मुझे ट्रेन करना चाहिए अपने पिजियोटो को ब्रो, उसका लेवल बहुत ही कम है। एंड पिकाचू को भी, चार्मेलियन का लेवल तो 30 हो चुका है लेकिन इन दोनों का लेवल बहुत ही कम है। तो चलो भाई देखते हैं ब्रो, इधर एक पोकी बॉल पड़ा है, देखना है मुझे इधर क्या मिलेगा। तो मुझे अवेकनिंग मिला इधर, और इधर दो तीन ट्रेनर हैं, इनसे बैटल करता हूँ मैं। लेट्स गो बट डोंट चैट, डोंट चीट। अबे चैट क्यों मैंने बोला, लेट्स गो बट डोंट चीट। मैं तुझे चीटर दिखता हूँ साले, तू अब मुझसे हारने वाला है, वन शॉट हराऊंगा मैं तुझे। वैसे तेरा नेम क्या है, एडी? तो तेरा नेम एडी है एंड तेरे पास एक ही पोकेमोन है और वो है एकेंस पिजियोटो, तुझे इसे हराना होगा। तो सबसे पहले मैं एकेंस का एक्यूरेसी ख़त्म करता हूँ सैन अटैक यूज़ करके। ओके, ये पॉइजन स्टिंग यूज़ कर रहा है एकेंस एंड पॉइजनस कर दिया है पिजियोटो को। तो अब मुझे एंटीडोट यूज़ करना पड़ेगा पिजियोटो के ऊपर, नहीं तो इसके ऊपर सिर्फ डैमेज ही लगे डैमेज मिलेगा सिर्फ इसको पॉइजन से। एक ही एंटीडोट था मेरे पास एंड मैंने यूज़ कर लिया है पिजियोटो के ऊपर ब्रो। तो मैं अब यूज़ करता हूँ गश अटैक, देखते हैं ब्रो गश अटैक कितना डैमेज देता है एकेंस को। ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा है एकेंस को ब्रो। सीक्रेट पावर कितना डैमेज देगा? ओके ब्रो, सीक्रेट पावर थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा है ये एकेंस। बार बार लेयर यूज़ करके अपने पिजियोटो का डिफेंस फेल कर रहा है, ये शायद कोई पावरफुल अटैक मारेगा। थीफ यूज़ करके देखता हूँ एकेंस के ऊपर, भाई एकेंस ने बाइट यूज़ किया ब्रो यार। ठीक है, एक और सीक्रेट पावर यूज़ करता हूँ एक और बार एंड ब्रो फाइनली पिजियोटो ने एकेंस को हरा दिया एंड 279 एक्सपीरियंस मिला। एंड अपना पिजियोटो अब 19 लेवल का हो चुका है ब्रो। एडी को हमने डिफीट कर दिया, हाँ दैट्स नॉट राइट। क्यों ये राइट क्यों नहीं है, मैंने सिर्फ तुझे हराया विदाउट चीटिंग करे। ऐसे मैं चीटिंग करता किसी से भी नहीं, आई डिड माई बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट। भाई ये डायलॉग तो सुना हुआ लग रहा है, ये डायलॉग तो नगेट ब्रिज में किसी ने बोल रहा है। ओके, नगेट ब्रिज में सब लोग बोल रहे थे भाई NPCs। इधर एक ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन बहुत पावरफुल होते हैं एनिमे में। विन लूज और ड्रॉ, ऑब्वियसली विन हुगो। तो ये गेमर के पास गेमर का नेम है हुगो, जिसके पास पॉलीवैग है। तो सीक्रेट पावर यूज़ करके देखता हूँ पॉलीवैग के ऊपर। वैसे पॉलीवैग का लेवल है
18 एंड पैरालाइज हो चुका है सीक्रेट पावर अटैक से। के पॉलीवैग बबल यूज़ किया लेकिन इतना इफेक्ट नहीं किया, तो अब एक गस्ट यूज़ करता हूँ पॉलीवैग के ऊपर एंड इसे फेंडेड करता हूँ। 18 लेवल का था भाई, पिजियोटो से थोड़ा एक लेवल कम था इसका। 297 एक्सपीरियंस मिला पिजियोटो को। अब ये हुगो यूज़ करने वाला है, क्या था, हॉर्सी, यस हॉर्सी यूज़ करने वाला है, तो मैं यूज़ करूँगा पीकेचू। पीकेचू यूज़ कर थंडर शॉक। ब्रो मुझे शॉक वेव यूज़ करके देखना है, ट्राई करना है, शॉक वेव का पावर देखना है मुझे। हॉर्सी तो गया, 319 एक्सपीरियंस मिला। हुगो के पास दो ही पोकेमोन था। अच्छा, डोंट गो माई वे, वैसे मैं जाने नहीं वाला तेरे वे में, मैं सिर्फ इधर ट्रेन कर रहा हूँ अपने पोकेमोन को। पोकेमोन इज लाइफ एंड टू लिव, ओके लाइफ एंड टू लाइफ इज टू प्ले गेम्स। या ब्रो कुछ भी पक लो, ये ओल्ड मैन तो एक नर्ड के तेरे बात कर रहा है। वॉच आउट फॉर लिव वेयर्स। ये इलेक्ट्रिशियन है क्या? यस ब्रो, ब्रेनी, इसका नेम ब्रेनी है। मैग्नेमाइट है इसके पास, तो ब्रो पिचियोट हरा भाई से। सीक्रेट पावर यूज कर मैग्नेमाइट के ऊपर, ब्रो डैमेज नहीं दे रहा। और यार अब जाने वाला है पिजियोटो तो गया समझो। ब्रो शिट, मुझे अपना 4 मिलियन यूज़ करना चाहिए था। आ जा भाई 4 मिलियन। एम्बर अटैक यूज़ कर इसके ऊपर। हो कि पिजियोटो का बदला ले लिया है मैंने इस मैग्नेमाइट से। नेक्स्ट पोकेमोन देखता हूँ इसका कौन सा है। नेक्स्ट पोकेमोन भी इसका मैग्नेमाइट ही है। ये वायर के बारे में पूछ रहा था, इधर वायर लगा हुआ है क्या? रूट 11 में 342। नेक्स्ट पोकेमोन है मैग्नाटोन, मैग्नेमाइट का इवॉल्व फॉर्म एंड इसका भी लेवल 18 ही है, तो इसके ऊपर भी एम्बर यूज़ करता हूँ एंड ये भी गया। ब्रो एक्सपीरियंस कितना मिलेगा इसको हराने के लिए? 621 एक्सपीरियंस मिला, नॉट बैड ब्रो। वो स्पार्क प्लग, या स्पार्क प्लग, वेल बेटर गेट बैक टू वर्क। ओके काम कर अपना भाई, ठीक से काम कर ओल्ड मैन। मैं पोकेमोन सेंटर में जाके हील करके आता हूँ अपने पिजियोटो को, क्योंकि मुझे पिजियोटो को भी ट्रेन करना है ब्रो, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट जिम लीडर किससे मैं बैटल करूँगा नेक्स्ट जिम? आई डोंट नो ब्रदर, इधर और भी ट्रेनर हैं। आई जस्ट बिकम ए ट्रेनर बट आई थिंक आई कैन विन। तो अभी ये ट्रेनर बना है एंड इसे लगता है ये मुझे हरा सकता है एंड ये खुद को बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट इसका हो चुका है, तो इसका ओवर कॉन्फिडेंट तोड़ते हैं। यंगस्टर डिलोन के पास है शैंशू। देखते हैं भाई, पिजियोटो शायद इसे हरा नहीं सकता, आई डोंट नो ब्रो, ट्राई करके देखता हूँ मैं। यस हरा नहीं सकता, तो मैं स्विच करने वाला हूँ। हरा सकता है लेकिन टाइम लगेगा एंड डैमेज भी खाना पड़ेगा उससे बहुत ज़्यादा। तो मैं 4 मिलियन को यूज़ करता हूँ ब्रो। स्क्रैच यूज़ किया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा स्क्रैच लगा और कुछ नहीं। एम्बर यूज़ करता हूँ मैं शैंशू के ऊपर। 19 लेवल था ब्रो इसका। अब ये गया शैंशू गया, पिजियोटो को 119 एंड 4 मिलियन को भी 189 एक्सपीरियंस मिला। नेक्स्ट पोकेमोन है जूबैट, तो जूबैट को हरा सकता है अपना पिजियोटो। इसका लेवल है 19, तो मैं थीफ अटैक तो डैमेज नहीं देगा, सीक्रेट पावर ही यूज़ करके देखता हूँ। ओके ब्रो सीक्रेट पावर डैमेज तो दे रहा है, लेकिन अब जूबैट ने यूज़ किया है सुपरसोनिक एंड कन्फ्यूज कर दिया है अपने पिजियोटो को। अब शायद खुद को ही अटैक करेगा ये पिजियोटो। ओके और ये ऊपर से मेगा ड्रेन यूज़ करके अपना एचपी रिस्टोर कर रहा था, लेकिन पिजियोटो का सीक्रेट पावर अटैक लग गया एंड ये जूबैट हो गया फेंडेड। 219 एक्सपीरियंस मिला अपने पिजियोटो को। ब्रो माय पोकेमोन कुंड विन, हैवंट दे ग्रोन इनफ? नहीं मुझे पता नहीं ब्रो,
आई जस्ट डोंट नो बिकॉज आई एम द बेस्ट, व्हाट्स नाउ, लीव मी अलोन। ओके भाई, ऐसे तेरे पास अब होता कौन हूँ मैं? ओ भाई ड्राउजी है इधर, नहीं पकड़ना ड्राउजी अभी। अराइज माई पोकेमोन केयरफुली, दे शुड बी रेडी बाई नाउ। तो ये अपने पोकेमोन को केयरफुली राइज करता है एंड ये इसे लगता है इसके सारे पोकेमोन रेडी है बैटल करने के लिए। इसका फर्स्ट पोकेमोन है निडोरान जिसका लेवल है 18। तो सीक्रेट पावर देखता हूँ भाई, पिचियोटो का सीक्रेट पावर निडोरान के ऊपर कितना डैमेज देता है। ओके दे रहा है पॉइजन स्टिंग, नहीं ब्रो पॉइजनस मत होना, पॉइजनस हुआ नहीं। गस्ट अटैक, पिचियोटो का गस्ट अटैक गया, निडोरान तो गया। अब नेक्स्ट पोकेमोन देखना है। 231 एक्सपीरियंस मिला पिचियोटो को एंड पिचियोटो ग्रो टू लेवल 20। वाइल्ड विंड सीखने की कोशिश कर रहा है ब्रो, तो वाइल्ड विंड का देखता हूँ मैं ऐसे पावर कितना है। ये फू द फ्यू इज मेड टू स्विच आउट विद ए एल आई इन द वाइल्ड द बैटल्स एंड। तो मैं वाइल्ड विंड सिखाऊँ क्या? आई डोंट नो ब्रो, ये थीफ अटैक तो अभी तक इतना काम नहीं आया, तो मैं वाइल्ड विंड सिखाने वाला हूँ थीफ अटैक को हटा के। तो ब्रो वाइल्ड विंड सीख चुका है अपना पिचियोटो। तो नेक्स्ट पोकेमोन है निडोरिनो। निडोरान का इवॉल्व फॉर्म, ओके सीक्रेट पावर डैमेज दे रहा है, डबल किक यूज़ किया निडोरिनो ने। ओके दो बार हिट हुआ, लास्ट वाला इतना डैमेज नहीं दिया। एक और सीक्रेट पावर यूज़ कर इसके ऊपर पिजियोटो। ओके निडोरिनो गया, 454 एक्सपीरियंस मिला। डेव को हमने हरा दिया, बाय बाय थैंक यू एंड गुड बाय। ओके भाई इसका रिएक्शन अच्छा लगा। टीज आई बेटर गो फाइंड स्ट्रॉन्गर वंस। भाई स्ट्रॉन्गर पोकेमोन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है तुझे, बस उनको ट्रेन कर ठीक से। ओके तो मुझे एक ड्राउजी मिला इधर, चलो इसे कैच। अभी मैं तो इसे कैच करना चाहता था लेकिन ये फेंडेड हो गया। ओके एकेंस ट्राई करूँ क्या कैच करने का इसे? गस्ट यूज़ करके देखता हूँ ब्रो। ओके थोड़ा सा एचपी बचा है, पोकेबॉल तो है मेरे पास तो यूज़ कर लेता हूँ मैं। वैसे बाद में तो मैं कैच करने ही वाला हूँ इनको, अभी मिल गया है तो कैच कर ही लेते हैं। ओके कम ऑन यार आ जा भाई। ओके तो हमने एकेंस को कैच कर लिया है। वैसे एकेंस का पोकेडेक्स में एंट्री है 23। ठीक है एकेंस। ओके इस ओल्डमैन से बैटल किया क्या मैंने? कॉम्पिटिशन आई कैंट गेट इनफ। ओके इनको कॉम्पिटिशन करना बहुत पसंद है। जैस्पर गेमर जैस्पर के पास है बेल स्पॉट, भाई परफेक्ट ओपोनेंट है अपने पिचियोटो का। गस्ट अटैक यूज़ करता हूँ मैं, ये बेल स्पॉट तो फेंडेड होने वाला है पिचियोटो के गस्ट अटैक से। गया ये बेल स्पॉट, नेक्स्ट पोकेमोन देखना है इस ओल्ड मैन का। ओके ब्रो पिचियोटो ग्रो हो चुका है 21 लेवल का। या नेक्स्ट पोकेमोन है ऑडिश, ये भी नहीं बचने वाला पिचियोटो के गस्ट अटैक से, वन शॉट लेने वाला हूँ। ब्रो ओके मैन, मुझे लगा कि वन शॉट में हो जाएगा लेकिन नहीं भाई। इसका ऑडिश का एक एचपी शायद बच गया है एंड इसने स्लिप पाउडर यूज़ करके पिचियोटो को सुला दिया है। ब्रो सीक्रेट पावर लग जाए भाई, जाग जा भाई पिचियोटो, अटैक मत ले बस लग जाए कोई अटैक लग। ओके फाइनली पिचियोटो जाग गया एंड ऑडिश के ऊपर सीक्रेट पावर से अटैक किया एंड 300 एक्सपीरियंस मिला। ओके आई हैड अ चांस, नहीं कोई चांस नहीं था तुम्हारे पास। हो यू कैन बी ए कावर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन। यस ब्रो मुझे कावर्ड लोग पसंद नहीं। एक्स डिफेंड मिला मुझे इधर। ओके और भी ट्रेनर है इधर, ये एक ओल्ड मैन है इससे बैटल करता हूँ ब्रो। केयरफुल आई एम लाइंग डाउन सम केबल, इलेक्ट्रिशियन है ये केबल का काम कर रहा है इधर। ब्रैकस्टोन इसके पास मैग्नमाइट है, तो मैग्नमाइट के लिए बेस्ट अपोनेंट होगा अपना चार्मेलियन। आ जा भाई चार्मेलियन, कन्फ्यूज किया तूने, अब ये ले चार्मेलियन को तूने कन्फ्यूज़ किया ब्रो, ये ले अब एम्बल ले भाई चार्मेलियन का। भाई यूज़ करना यार,
अबे ब्रो व्हाट द फक आई एम डूइंग यार। 4 मिलियन को ये 21 लेवल का मैग्नामाइट ने फेंटेड कर दिया, क्या कर रहा था मैं। पीकाचू 4 मिलियन का बदला ले ब्रो, वो भी मेगा किक अटैक से। भाई मेगा किक अटैक मिस हो गया, इसका पावरफुल है लगता है मैग्नामाइट। ओके फाइनली मेगा किक अटैक लगा एंड भाई कुछ नहीं हुआ, तो शॉक वेव यूज़ करके देखता हूँ मैं। ओके देखते हैं भाई शॉक वेव का पावर। ब्रो शॉक वेव भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा, पीकेजू को कंफ्यूज कर दिया मैग्नामाइट ने। क्विक अटैक यूज़ कर करता हूँ भाई, कंफ्यूज हो के रखा है अभी, लेकिन अटैक तो कर ब्रो, तू तेरा लेवल ज़्यादा है उससे एंड तू इतना टाइम लगा रहा है उससे हराने में। ओके एक और क्विक अटैक यूज़ करना पड़ेगा ब्रो, इसने पीकेजू को भी हरा दिया भाई, इसका तो गोट है भाई, ये पोकेमोन गोट है इसका। तो भाई मैं रिस्क नहीं लेने वाला, एक सुपर पोशन यूज़ करने वाला हूँ अभी मैं पिजियोटो के ऊपर। ओके थंडर शॉक भाई, डैमेज ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ओके आधे से भी ज़्यादा डैमेज मिला, लेकिन कोई बात नहीं, एक गस्ट यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ये मैग्नामाइट फेंडेट हो जाएगा। ओके फाइनली ब्रो ये मैग्नामाइट तो फेंडेट हो गया भाई, 2 पावरफुल पोकेमोन खा गया ये मेरा, 400 एक्सपीरियंस मिला पिजियोटो को। इंजीनियर ब्रैकस्टोन भाई दैट वॉज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लगा तुझे भाई। स्प्रेड द वर्ल्ड टू सेव एनर्जी, ओके जरूर एनर्जी सेव करूँगा। क्या बक रहा हूँ मैं, इस ओल्ड मैन से तो बैटल किया मैंने, इससे करता हूँ मैं। आई एम द बेस्ट इन द क्लास, आई ट्रेन एवरी मॉर्निंग। तो ये अपने क्लास में बहुत बेस्ट है, यानी ये ट्रेन करता है हर सुबह। तो भाई एक सुपर पोशन यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो सारे पोकेमोन मेरे ज़्यादा से सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन तो अभी फेंडेड होके रखे हैं। तो गश अटैक यूज़ करता हूँ मेरा रेडिटा के ऊपर। ओके ब्रो रेडिटा तो गया, हाइपर फैंग यूज़ किया था इसने। नेक्स्ट पोकेमोन देखता हूँ इसका, याशू का नेक्स्ट पोकेमोन है याशू का रेडिटा। इसके ऊपर एक और भाई क्विक अटैक यूज़ किया रेडिटा ने, अब पिजियोटो का गश अटैक ले रेडिटा। ओके थोड़ा सा एचपी बच चुका है, तो एक और गश अटैक दोबारा से यूज़ किया रेडिटा ने क्विक अटैक, एंड मैंने भी यूज़ किया दोबारा गश अटैक एंड ये रेडिटा गया। अब नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं याशू का, एंड पिजियोटो ग्रो टू लेवल 22 ब्रो, ग्रो 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 हो रहा है अपना। अब नेक्स्ट पोकेमोन है रेडिकेट, तो रेडिकेट के ऊपर मैं यूज़ करूँगा सीक्रेट पावर। भाई मुझे सुपर पोशन यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं चांस नहीं देना चाहता, रिस्क लेना ही नहीं चाहता भाई। सुपर पोशन से सीक्रेट पावर से रेडिकेट हो चुका है पॉइजनस। ओके ब्रो एक और सीक्रेट पावर यूज़ करना पड़ेगा रेडिकेट के ऊपर, एंड रेडिकेट हो गया फेंडेड। 421 एक्सपीरियंस मिला पिजियोटो को, यासू तो गया ब्रो। ट्रेन माई पोकेमोन नीड टू बी स्ट्रॉन्गर, ट्रेन कर अपने आप स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे वो लोग। दे आर ए फैट पोकेमोन दैट कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से एक फैट पोकेमोन आया है, आई बेट इट बी स्ट्रॉन्ग इफ यू कैन कैच इट। ऑब्वियसली मैं कैच करने वाला हूँ उससे तो मैं अपने टीम में रखूँगा। अभी शायद नहीं कैच कर सकता, आई डोंट नो ब्रो, मैं साथ कैच कर भी सकता हूँ, जाकर देखना पड़ेगा। और कोई अभी ड्राउजी मिल गया, ओके मैं अभी पकड़ने नहीं वाला है, क्योंकि ब्रो और भी ट्रेनर बचा है इधर, एंड मैं वापस नहीं जाना चाहता पोकेमोन सेंटर। आई हैव नेवर लॉस्ट, तो अब तुम इससे पहले नहीं लॉस्ट हो, नहीं हारे हो, लेकिन इस बार हारोगे मुझसे। ड्रिक ड्रिक के पास है वोल्ट्रॉप, तो भाई सीक्रेट पावर यूज़ करता हूँ मैं। ओके वॉल्ड्रॉप तो गया, नेक्स्ट पोकेमोन देखना है। 396 एक्सपीरियंस मिला, नेक्स्ट पोकेमोन है मैग्नामाइट कमीना साला। इसके ऊपर भी सीक्रेट पावर यूज़ करता हूँ। ओके सीक्रेट पावर इतना इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर। एक और सीक्रेट पावर भाई थंडर शॉक यूज़ किया इसने, 3 सीक्रेट पावर यूज़ करना पड़ा तब जाके ये फेंडेड हुआ। ड्रिक हार गया, ये पहले कभी हारा नहीं था, लेकिन अब हारा मुझसे। माई फर्स्ट लॉस, या फिर ये झूठ बोल रहा है। यू आर जस्ट लकी दैट ऑल, क्योंकि इनका उम्र देखो भाई
इतने भी खास ट्रेनर नहीं लग रहे मुझे इनको ये दिखने में। तो इधर मुझे एक ग्रेट बॉल मिला, ओके। तो और देखते हैं और कोई ट्रेनर है क्या। इस बच्चे से तो मैंने बैटल किया ना, अबे तुझसे मैंने बैटल किया क्या, या इससे किया मैंने। आई हैव नेवर वॉन बिफोर। अबे ये ओल्ड मैन कभी जीते नहीं, यानी वो ओल्ड मैन कभी हारा नहीं। भाई ये लोग मजाक कर रहे हैं भाई। इसके पास, इस ओल्ड मैन के पास राउलेत है भाई, राउलेत सीक्रेट पावर। पैरालाइज हो गया राउलेत, एक और सीक्रेट पावर। भाई चांस ही नहीं दिया अटैक करने का राउलेत को। 351 एक्सपीरियंस मिल गया एंड पिचियोटो का लेवल हो चुका है 23। तो नेक्स्ट पोकेमोन है फॉलफिक्स। फॉलफिक्स का लेवल है 18। भाई फॉलफिक्स ने क्विक अटैक यूज़ किया एंड मैंने यूज़ किया सीक्रेट पावर, थोड़ा सा एचपी बचा है एंड फॉलफिक्स को पैरालाइज हो चुक कर दिया है पिजियोटो ने। सीक्रेट पावर अटैक से ब्रो कुछ भी हो सकता है, वो डिफेंड करता है पोकेमोन के ऊपर। 243 एक्सपीरियंस मिला। डरायन, आई सॉ दिस कमिंग। भाई ये ओल्ड मैन सच में कभी नहीं जीते क्या। आई वॉज अनलकी एज ऑलवेज। नो ब्रो, स्पैरो हटना यार, तुझे पकड़ के रखा हूँ। तो मुझे लगता है रूट टू 11 के जितने भी ट्रेनर हैं मैंने सबसे बैटल कर लिया है। तो और ओके, ये तो अकेला रहना चाहता है। ओ भाई स्पैरो, वाइल्ड पोकेमोन हटना ब्रो इधर से। ओके तो मुझे देखना है, रूट 12 चलता हूँ मैं। ओके, डोंट यू थिंक इट्स हार्ड टू थिंक अप को गुड नेम फॉर पोकेमोन। या ब्रो सच में यार निक नेम सोचना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली इफ यू हैव कैट ए होल बंच इन लेवेंडर टाउन। दे आर ए मैन हु राइट पोकेमोन निक नेम। तो लेवेंडर टाउन में एक इंसान, ये एक एक बंदा रहता है जो पोकेमोन का निकनेम लिखता है। ही कैन इवन हेल्प यू रीनेम योर पोकेमोन टू, और वो रीनेम भी कर सकता है निकनेम को। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट इंफॉर्मेशन। मैं ज़रूर मिलूंगा उस मैन से, उस बंदे से जो लेवेंडर टाउन में निकनेम राइट करता है। ओके फक मैन, इफ यू आर एमिंग टू रीच लेवेंडर टाउन टेक रॉक टनल। यू कैन गेट टू रॉक टनल फ्रॉम सिरिलियन सिटी। तो रॉक टनल जाने के लिए मुझे वापस सिरिलियन सिटी जाना पड़ेगा। ओके तो मैं सीढ़ी चढ़ के स्टे ऊपर देख लेता हूँ इधर कोई है क्या। ब्रो वो तो प्रोफेसर का आईडी दिखा मुझे। आई एम लुकिंग फॉर द पोकेमोन निडोरिनो, वांट अ ट्रेड वन फॉर माई निडोरिना। नो ओके ब्रो, ये प्रोफेसर का आईडी क्या कर रहा है इधर। हाई रिमेंबर मी, आई एम प्रोफेसर ओक आईडीज। If your Pokédex has completed data on 30 species, I suppose to give you a reward. Professor Oak instructed me with the item finder for you. तो प्रोफेसर ओक ने आइटम फाइंडर भेजा है मेरे को, लेकिन 30 काइंड ऑफ पोकेमोन नहीं पकड़ा है मैंने अभी तक। सो फिनिक्स, लेट मी आस्क यू, हैव यू गैदर डाटा ऑन एट लीस्ट 30 काइंड ऑफ पोकेमोन? Let's see. Oh, you have caught only 21 kind of Pokemon. You need 230 kind of if you want item finder. Okay, जब मेरे पास 30 Pokemon पकड़ लूँगा तब जाके मैं आऊँगा इधर ये आइटम फाइंडर लेने। तो चलो भाई देखते हैं रूट 12 में सच में क्या स्लीपिंग पोकेमोन है। ओह ये देखो भाई मोटा स्नोरलैक्स, ये तो हटने नहीं वाला इधर से एंड मैं अभी इसे पकड़ भी नहीं पाऊँगा, पकड़ने मिलेगा नहीं चांस। तो चलो भाई लेवेंडर टाउन से, रॉक टनल से मुझे लेवेंडर टाउन ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बिरमिलन सिटी का पोकेमोन सेंटर चलता हूँ एंड हील कर लेता हूँ सबसे पहले अपने सारे पोकेमोन को। उसके बाद मैं सोरेलिन सिटी जाऊँगा बाइक वाउचर लेके, बाइक लेने। देन वहाँ से रॉक टनल से होते हुए मैं जाऊंगा लेवेंडर टाउन। तो भाई जो जो पोकेमोन अभी मैंने इस एपिसोड में एक एगेंस पकड़ा ना, यस ब्रो एगेंस का पोकेडेक्स में डाटा कितना है एंट्री। एगेंस एगेंस ब्रो, एगेंस किधर है? एगेंस यार, एगेंस किधर है?
मियोथ पैरिश एकेंस 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 प्रो, यस 23। तो पोकेडेक्स में एंट्री है 23 एकेंस का, तो रखता हूँ मैं इसे पोकेडेक्स में। एकेंस निकल यार, पार्टी से निकल मेरे, एंड तू पीसी में रहे। 23 ना, 12 80 18 19 20 21 22 23, यस इधर रहेगा। चेक कर लेता हूँ मैं भूल जाता हूँ भाई। ओके 23 है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को और सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। मुझे पता है ये एपिसोड का कमेंट्री इतना अच्छा नहीं है, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख ही रहा हूँ प्रो। ठीक है, एंड करते हैं, सायोनारा।